गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर इस इंसान ने लेट करवा दिया है। हमें 8 बजे निकलना था, 8:25 हो चुके हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम 1 घंटा लिया है नहाने में और रेडी होने में। हमारा क्या डिसाइड था कितने बजे निकलना है? यार सुबह 8 बजे नहा के कौन सा दर्जा। 7 बजे से मैं इनको ये बोल के उठा रही हूँ कि अरुण 7:40 हो गए, 5 मिनट और 5 मिनट और। काम धंधे वाले लोग हैं। हाँ हाँ दिख रहा है मेरे को काम धंधा। ये छोटा बच्चा है ठीक है, जो अभी उठे थे और अभी क्या 5 मिनट और 5 मिनट और। हाँ जी 5 मिनट बस ये हो रहा होता है इनका, 5 मिनट 5 मिनट करके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए सदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस इंसान ने आज फिर लेट कराया, हमें 8 बजे निकलना था, 8:30 यहाँ कर दिए हैं। 8:25 मतलब मैं बिना अलार्म के हमेशा उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे पता जाना है। और इनको मैं 7 बजे से 7:40 बोल के उठा रही हूँ। आप में से भी कोई ऐसा बताना कि कोई ऐसा है जो बोलता है 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और। ये हाल है इनका, बच्चों से भी बदतर, इतनी भी उठ जाती है टाइम पे। अपना ऐसा ही है भाई ठीक है, क्योंकि जो बंदा स्वैग में मस्त रहता है ना उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई बात ऐसी है, सुबह 7 बजे उठ के और 8 बजे कौन निकलेगा सदर के लिए? हम तो नहीं निकलते क्योंकि यार आप लोग जानते हो वी आर राजा अरुणेंद्र। एंड ये इंसान अभी मुझे कह रहे हैं कि उपासना में थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था। कोई इस इंसान को बताए कि उपासना 7 बजे उठ चुकी थी। इंसान क्या होता है, आई एम योर हस्बैंड। कल डिसाइड था कि 8 बजे हम निकल लेंगे और उपासना हो रहा 7:45 रेडी। हो सकती है रेडी, बट अरुणेंद्र 7 के पास बहुत सारे काम है। सोने का काम इस इंसान को सिर्फ, ठीक है। और क्या काम कर रहा हूँ सुनो, 5 मिनट टाइम हो गया है, 5 मिनट उपासना, 5 मिनट काफी टाइम हो गया। पता है तुम्हें शर्म की, आज कर लो, आ जाओ मेरा बच्चे, आज शर्म करो भाई साहब। पता कितना काम किया है, सुबह उठ के अपने कपड़े प्रेस करे, इनके कपड़े प्रेस करे, मम्मी के करे, पापा ही करे, रिद्धि के करे। जिसने कभी जिसको ये भी नहीं बताया होगा रूम में प्रेस काम रखी है। तो अगर आज मेरे जेब में 2,000 रुपये कम होंगे ना तो इसकी वजह से होंगे, इस इंसान की वजह से। ये मेट्रो में कह रहा है अरुण ये मास्क हटाओ, मुझे रील बनानी है। हायर अथॉरिटीज प्लीज देखें इस वीडियो को। तो मैं सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो गया था, बट मैम को मेकअप करने में टाइम लग गया। ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूँ, और आप मैम 8 बजे उठ गई थी, मैं 7 बजे उठ गया था। बट नो हार्ड फीलिंग्स, कोई बात नहीं, चलता रहता है यार। मतलब हमें कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है ठीक है। आप एक काम करो, कोई नहीं इसमें बुरा मत मानना, मैं फिर भी पूरी शॉपिंग करवा दूंगा आपसे। यहाँ के ट्रैफिक रोड्स पे, उन रोड में आपको और भी बहुत दिलचस्प रोड पे आपको और भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो मिलेगा जो हमारे सामने बिल्कुल ग्रीन टी शर्ट में लड़का है, उसके हाथ में गांजा है, बहुत आराम से रोड में पी रहा है। ये सुबह के 10:30 बज रहे सदर में। ये दिल्ली है मेरी जान, सुबह 10 बजे फाइनली ये मिल गया जो चाहिए था। तो फाइनली भाई जो चाहिए था वो मिल गया। और ये डिफरेंस है सदर में और मार्केट्स में, और जगहों पे जो आपको ये रेट बिल्कुल आसमान छूते हुए मिलेंगे वो सदर में बहुत जायज रेट पे मिलता है। ये कैसे हैं भैया ये वाले? ये वाले 40, ये भी 40, वो भी 40, ये 70 वाले बड़े कुछ अलग सा लेते हैं ना। तो ये फर्क है सदर में और मार्केट्स में, मतलब यहाँ पे क्योंकि सारा होलसेल पे मिलता है तो आपको कंपैरेटिवली बहुत कम रेट्स में मिलेगा। तो अब रिद्धि के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, साथ साथ उपासना अपने लिए कर रही है। मैं व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ यहाँ पे एज यूजुअल। मेरे को लेके आया इसे सदर दिखाएंगे कि सदर में आप कैसे शॉपिंग करते हैं। मैं मेरे को लेके ही सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए आया गया, सिर्फ रिद्धि मम्मी और उपासना के लिए शॉपिंग हो रही है। ये कौन सी? ये वो जब उपासना इन दुकानों पे आते हैं तो उपासना के अंदर की ना छोटी बच्ची जाग जाती है। अरुण मैं ये वाली क्लिप्स ले लूं, अरुण मैं ये वाली क्लिप्स ले लूं, ये कैसे लगेंगे अरुण, ये कैसे लगेंगे। पर ये बहुत अच्छी है, ये ऐसे ऐसे बीट्स ये ऐसे खुलेंगे। अच्छा और ये लगेंगे इसमें, ये सही है। जब ये सारी खत्म हो जाएंगी ना तो इनमें धनिया मसाला डालने के काम आ जाएगा ये डब्बा ऊपर वाला, ये ले लो। जैसे हम कोई भी मैट की नेल पेंट लेते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट हम 100 रुपीज का पर पीस लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये हमें पड़ेगा कितने, इसमें 12 है, 20 रुपीज का, 20 का एक, 240 का, 240।
और वैसे 100 का एक मिलता बार। फन फैक्ट नंबर 1, ये पूरी मार्केट जो है वो फीमेल्स की है, मतलब यहाँ पे मोस्टली सामान औरतों का मिलता है, पर 90% लोग यहाँ पे मेल हैं। कितने की है? 5 रुपीज। ये पूरा पत्ता मतलब एक 60 रुपए का पत्ता। आप ये भी सदर से इजीली परचेज कर सकते हैं। वैसे ये सारा हम पूजा के लिए सामान ले रहे हैं अपने पर्सनल, उसके लिए। कभी सोचो कि दुकान भी खोल देंगे डॉक्टर साहब, थोक में सामान भर रही है, कहीं आप लोगों को लगे कि नजफगढ़ में एक दुकान खुलेगी कॉस्मेटिक्स वाले। अभी ज्वेलरी ली है मैम ने, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं था और वो थोड़ा सा सरप्राइज भी है तो दिखा नहीं सकते है ना। अच्छा उससे पिछले वाले लोग में चेहरा कितना खिला था ना मेरा, कितना खुश था मैं, तो समझ सकते हो चेहरा भी उतरा और जेब भी थोड़ी हल्की हो गई है। नाइस, सह लेंगे थोड़ा। मुझे क्या क्लासी ज्वेलरी मिली, तपस्या सफल होगी भाई। इतनी खुशी मेरे को लगता है इनका शादी के टाइम पे नहीं हुई थी। मैं ना फर्स्ट टाइम बताती हूँ, जैसे अरुण ना फर्स्ट टाइम आया है कभी, मतलब जैसे ज्वेलरी के लिए, कभी इनको शादी के टाइम पे नहीं पता कि वो एक नथ इतनी कॉस्टली थी। आज जब मैं ज्वेलरी देख रही थी पोलगी में, तब ये कह रहे यार ये इतनी वो आती है, पर इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। मैंने मतलब कोई सेट पसंद किया था, ऑप्शन था, मैंने सेट पसंद किया था और वो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, पर इन्होंने मुझे बोला नहीं तो ले लो। ब्लॉग यार आप लोग पूरा देख लेना ताकि इस ब्लॉग से जो कमाई हो तो आज का वाला खर्चा कवर हो जाए। ये वाला ये तो ले ही लिया, ये रहने दो, ब्लैक रहने दो, गोल्ड यही लो। हाँ। मैं डाल लेती हूँ। और अभी ये रिद्धि की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, देखना कितने क्यूट है ये। देखो ये क्लिप्स वो रोज तोड़ती है, इसलिए मैंने सोचा पैकेट ले, ये क्लिप्स वो रोज तोड़ती है, मैंने सोचा पैकेट ले लेती हूँ, उसके लिए इजी रहेगा। हाँ। यहाँ सदर के मार्केट में लिखा है 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, कहीं भी जाए इनको गोलगप्पे दे। अभी तक इनमें एनर्जी नहीं थी, चला नहीं जा रहा था, थक चुके थे। ये देखिए गोलगप्पे खाते हैं जैसे पेट्रोल है ना, वैसे इनके लिए गोलगप्पे बस, इनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुबह 10 बजे से ना 2 बज गए पर एक थाली नहीं मिली अभी तक, और उपासना कह रही है कि मेरा पहला करवा चौथ है, मेरा बहुत शौक है कि बहुत सुंदर सी थाली हो। ये देखो जो दुकान बना लेते हैं ना, पानी ला के डाल दो, और इनको लगता है कि पूरी सड़क इन लोगों ने, पूरी सड़क इन लोगों ने ले लिया और ऐसे लात मार के उठा लिया ये लोग। ज्वेलरी ज्यादा ग्रेस बढ़ाएगी हमें तो। पेट भर गया। हम ना कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उपासना कह रही है, मैंने कहा यार पहले नजफगढ़ चल लेते, कह रही नहीं यार पहले मेट्रो से उतरते हैं, उसकी डाउन पेमेंट करके आऊंगी। मैंने कहा पागल, अभी रुक जाओ, सीधे पे हट गई है, कह रही है अभी डाउन पेमेंट करके आऊँगी। ये बताओ आप लोग कुछ सोचो, आप लोग तो मतलब ऑडियंस बहुत समझदार है, हमारी जो ऑडियंस है वो भगवान होती है, तो आप लोग बताओ कि चलती मेट्रो में से उतर के डाउन पेमेंट करना सही रहेगा या फिर थोड़ा वेट करें। मैं इस पे बनाऊंगी। अच्छा तो मैं मेरा पॉइंट भाई ये तो कहती रहती है, इन्होंने कहा था शट अप, नहीं पूरी अभी कह रही है कि ना मेरा पॉइंट है वो शूट हो, मैं बाद में करूंगी, ये बात के चक्कर में रहता है। एक दिन उन्होंने तो कहा अरुण आप भी क्या याद रखोगे 3 मिनट के लिए ना आपके लिए ऐसी रोमांटिक सी स्पीच डालूंगी, आप भी क्या याद रखोगे। शनिवार कहा था, जाने कितने शनिवार निकल गए। ठीक है भाई साहब, नहीं आता कल बल बिल्कुल भी। ये मैं अपने आईफोन 13 की कसम खा के कह रहा हूँ, ये सुनाने के लिए था क्योंकि मैं अपने आईफोन 13 की कसम खा रहा हूँ। इस इंसान ने जब लॉन्च नहीं होता जब इसे कहा था फिर मैंने कहा यार आया नहीं।
गाड़ी गाड़ी का वो कर रहे थे अभी, ठीक है, मेरे को कह रहे जाके उतर के तू डाउन पेमेंट करा, मतलब देखो मेरे को कह रहे जाके डाउन पेमेंट करके बुक करा, मैं लेने चले जाऊंगी, तुम जाओ मेट्रो मेरे भाई। आज ना मेरा दिल टूट गया है यार, मैं मतलब रो रहा हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन में बैठ के, ठीक है। आप लोगों ने एक बार याद है कमेंट में क्या कहा था कि सारे सरप्राइज, एक किसी ने कमेंट किया था 4-5 दिन पहले किसी वीडियो पे कि सारे सरप्राइज प्लान करने का ठेका क्या उपासना ने ले रखा है, सारे गिफ्ट क्या उपासना ही देगी। तो आप सब लोग ध्यान से सुन लो, शादी से पहले गिफ्ट लेके आया था लखनऊ से जाके, ठीक है, वो चुप रहो अरुण, मुझे ये पसंद नहीं आया। दूसरी चीज सुनो, मैंने शादी के बाद ना एक बहुत यूनिक गिफ्ट दिया था, आज मुझे पता है क्या बोला था, वो कोई गिफ्ट देने का, शिव जी और पार्वती जी दिए थे कि रिश्ता वैसा बना रहेगा। अब जबान नहीं है ना बोलने को, इसलिए मैं कुछ लेके नहीं आता, मैं सीधा कैश पकड़ा देता हूँ, लाइक जैसे मैंने आज 1 लाख रुपीस दे दिए, मेरे बच्चे को 70,000 रुपए दो, चलो 1 लाख रुपीस दे दिए, जिसमें उन्होंने 60,000 की ज्वेलरी ले ली, तो मैं कैश दे देता हूँ भाई, कैश दिखता नहीं है ना किसी को, ला के गिफ्ट पकड़ा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉगर है हम, वी आर ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करेंगे मेट्रो में, घर पे भी तो करते हैं, लोग कहते हैं बेडरूम देख देख के बोर हो गए, अब उन्हें हम मेट्रो दिखाते हैं। ये सारा सामान छोड़ गया यहाँ पे और ये अपने क्लिनिक जा रहे हैं, अब हम लेके जाएंगे अब इसको नजफगढ़, ये उतर रही है उत्तम नगर, हाँ अच्छे से ले जाना। ये हमने कल घर जाना है हिमाचल, ये मेरे पति देव ने आज शॉपिंग करी है और ये 9 बजे से सो रहे हैं, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकिंग की मेरे पे छोड़ दी है। देखो अभी बेचारे मैं बैग निकाल रही हूँ, सामान अभी छांटूंगी, और ये और किस कौन सा लगा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया था कि अरुण सर कल 8:30 बजे से सो रहे हैं और मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है, क्योंकि यार मैं बहुत थक गया था। मेरे साथ होता है कि जब मैं बहुत थक जाती हूँ मुझे नींद नहीं आती। 9 बजे तो मैं ऑफिस से आया हूँ, 9 बजे आया हूँ। हाँ, जब आए थे तभी सो गए थे। उसके बाद खाना वाना खाया मैंने, 10 मिनट में खा लिया। तो कल यार बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, बहुत बहुत थकान हो गई थी, एंड यार फिर सो गए थे, लेकिन आज हमें निकलना है हिमाचल, एंड सारा यूं बिखरा पड़ा है, पैकिंग वैकिंग सब कुछ। ये हमारे घर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बाय बाय, टेक केयर।